नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की एक खास खबर और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम बड़ी खबरों के साथ। कश्मीर घाटी में आतंकियों द्वारा कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर निशाना बनाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं वीरवार को बड़गाम में राहुल भट्ट की निर्मम हत्या ने आग में घी का काम किया है और घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जम्मू में बसे इस समाज के लोग भी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। वहीं खासतौर पर पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में सरकारी नौकरियां कर रहे कश्मीरी पंडितों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका है और उन्होंने अब सरकार से उनके सामूहिक इस्तीफे लेने की मांग की है। वहीं कश्मीरी पंडितों ने बड़गाम में अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए आज एक रोष मार्च निकालकर जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। उधर कुपवाड़ा के नथनुसा इलाके में भी स्थित कश्मीरी पंडितों माइग्रेंट कॉलोनी के निवासियों ने भी आज सड़क मार्ग जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जम्मू में भी कश्मीरी पंडित सरकार पर बिखरे नजर आए हैं। इसके अलावा जम्मू के ही जगती इलाके में स्थित कश्मीरी पंडित विस्थापितों की टाउनशिप में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। हमें हमारी दो ही मांगे हैं, एक तो राहुल की फैमिली को कंपनसेशन चाहे 2 करोड़ और मास रेजिग्नेशन हमारा एक्सेप्ट किया जाए, हमारे यही दो, क्योंकि हमें अब नहीं मरना है। एक एक करके मारे जा रहे हैं, हम यहाँ पे जॉब करने आए थे मरने के लिए नहीं। हमें मास रेजिग्नेशन हमारा एक्सेप्ट कर, हमें नहीं चाहिए जॉब, जहाँ हमें मरना है हमें वो जॉब चाहिए ही नहीं। हमारा मास रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा उसके बाद हम जाएंगे जम्मू अपने घरों में। हम अपने घर छोड़ के आए हैं, अपने घरों को छोड़ के हम यहाँ जॉब के लिए आए थे। उसका देखो कल एक भाई हमारा मारा गया, ये एक ही नहीं मरता, पूरा घर मर जाता है। पूरा घर जब एक किलिंग होती है पूरा घर मर जाता है उसमें। अब कब तक कितने घर मारने हैं, कितने घर खत्म करने हैं इनको, हमें बता दे नेक्स्ट टारगेट कौन है। हमें क्या अब यही करना है, हमें एक एक करके मरना है यहाँ पे? नहीं, हमें मास रेजिग्नेशन करने हैं यहाँ पे। हमारी मास रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए और राहुल की फैमिली को कंपनसेशन देनी चाहिए। हम कल रात से यहाँ पर है मगर अभी तक एलजी साहब नहीं आए, हम उनका वेट कर रहे हैं। ड्यूकॉम आए, आकर उन्होंने बस आश्वासन दिया और चले गए। हमें कंस्ट्रक्टिव स्टेप चाहिए, वन टाइम सॉल्यूशन चाहिए। हमें रोज रोज नहीं मरना है। जो पीएम पैकेज स्कीम है वो फेल हो चुकी है। वेयर आर दे, व्हाई डोंट दे रियलाइज कि हम हमारी हालत क्या है। हम डर डर के बाहर निकलते हैं। तो हमें ये चाहिए कि एक तो राहुल जी की फैमिली को कंपनसेशन दे और हमें मास रेजिग्नेशन, हमें यहाँ से जम्मू ले जाए या किसी और जगह ले जाए मगर यहाँ नहीं रहना है हमें। हमें अपनी लाइफ पसंद है। हमें बताइए अगली बारी किसकी है, एडमिनिस्ट्रेशन को तो पता ही होगा। हमें बताइए नेक्स्ट किसको मरना है, वो हमें बता दीजिए। लास्ट टाइम एक सिख मैडम को मारा गया था, दीपक चंद को मारा गया, तब भी हमारे पास स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, ड्यूकॉम साहब आए थे, हमें खोखले वादे दिए गए कि आपको आगे ऐसा नहीं हो जाएगा, विद इन सम टाइम ये सारा कुछ माहौल ठीक किया जाएगा। आज हमारे पड़ोस में, हमारे घर में बाई को मारा गया, गवर्नमेंट कल आई फिर वो विदाउट एनी रोड मैप वो इधर आ गई। तो कोई इनका इन गवर्नमेंट के पास कोई कंक्रीट स्टेप नहीं है कि इन्होंने एक साइड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं हम रिहैबिलिटेट कश्मीरी पंडितों को कर रहे हैं, दूसरी साइड से कश्मीरी पंडित सड़कों पे आ गया। सेकंडली कि यहाँ पर हमने कल शाम को भी ड्यूकॉम को मास रेजिग्नेशन देनी चाहिए बट उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। आज हम एलजी साहब का एक्सपेक्ट करें कि एलजी साहब इधर आए, हम एलजी साहब को यहाँ पर मास रेजिग्नेशन दें सो दैट हमारे कुछ जो हमारे जो ये डिमांड से इनको ये किया जाएगा, इनको सॉल्व किया जाएगा। राहुल भट्ट जी जो 5-10 दिन पहले यहाँ पर आए थे उनको वहाँ से बार बार फोन आ रहा था आप दोबारा से सर्विसेज रिज्वाइन कर दो। हमें लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, वरना वो ऑफिस के अंदर घुस के उनको अपने चेयर पर कैसे असला लेके कैसे जा सकते हैं। हम चाहते हैं इसका कोई प्रोब हो, सीबीआई प्रोब हो। जो मोदी जी कश्मीरी पंडित होना क्या गुनाह है, क्या हिंदू होना गुनाह है? जो मोदी जी जिसको कश्मीरी पंडित एक भगवान के रूप में देख रही है, जिस पर मोदी जी ने तख्त संभाला था,
उन्होंने मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित का इश्यू नंबर 1 पर रखा था, मगर आज तक ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं जो रूट कॉज इस टेरर का है, बार बार कश्मीरी पंडित हमारे फौजी भाई नहते लोगों को वहाँ पर शिकार होना पड़ता है, एक ही बार इसका अल्टीमेट सोल्यूशन हो, पाकिस्तान पर प्रहार हो और वन टाइम सोल्यूशन हो, ताकि कश्मीरी पंडित को बार बार गली का बकरा नहीं होना पड़े। ये सरकार बीजेपी सरकार दावे करती थी कि कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हुई है, और जब इनको इलेक्शन थे उन दिनों ये बता रहे थे कि हम कश्मीरी पंडितों के सारे मसाइल हल कर लेंगे। जब इनकी सरकार बनी तो कश्मीरी पंडितों की तरफ इन्होंने देखा भी नहीं। मोदी जी यहाँ आए थे, उन्होंने एक भी बात कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं की। हम इस किलिंग की, जो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में चुन चुन कर मारा जाता है और गवर्नमेंट ऑफिसों में मारा जाता है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से पूछना चाहते हैं, आखिर सरकार कहाँ तब तक होती है, सोई हुई होती है जब तक कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में मारा जाता है। पीडीपी अध्यक्ष महबूब मुफ्ती ने कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की पुरजोर मजम्मत करते हुए लोगों से एकजुट होने की अपील की है। वही महबूब मुफ्ती आज बड़गाम जाकर राहुल बज के परिजनों से मुलाकात करने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। वही महबूबा ने अपने आवास से ही एक वीडियो जारी कर लोगों से ये अपील की है। क्या कहना है महबूब मुफ्ती का, आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जहाँ अभी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आपस में मिलके रह रहे हैं। ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों पे ये फर्ज आयद होता है कि हम जो हमारे बीच में रहने वाले, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे हमारे सरदार भाई हो, उनके साथ न सिर्फ खड़े रहें बल्कि 1947 में जिस तरह से हमने उनके मालो जान की हिफाजत की थी और गांधी जी को उस वक्त जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, उसी तरह से हमें चाहिए आज हम अपने माइनॉरिटीज के साथ यहाँ खड़े रहें। इसलिए मैं अपने तमाम लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि आज जुम्मे के दिन तमाम मस्जिदों में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हिफाजत की पुरजोर वकालत की जाए, और साथ ही मैं जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है, कि हम इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, पूरे मुल्क को मैसेज दे ताकि मुल्क में जो इस वक्त सरकार है उनको मुसलमानों को बदनाम करने का मौका ना मिले। बड़गाम में वीरवार को आतंकियों की गोली का शिकार हुए राजस्व विभाग में तैनात कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल बट को आज जम्मू में पंतत्व में विलीन कर दिया गया है। वहीं उनका पार्थिव शरीर बड़गाम से जम्मू के बंतलाब इलाके में स्थित उनके आवास पर पहुंचाया गया, जहां पर हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और उनके अंतिम संस्कार के मौके पर जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार सहित पुलिस प्रशासन के अन्य आला अधिकारी व सियासी दलों के नेता भी मौजूद थे। ऐसे निहत्थे कश्मीरी पंडित को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, और इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से निकाल निकाल कर इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। ये अक्षम्य पाप है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। एक बहुत चिंतनीय मामला है। जिन परिजनों ने अपने सगे संबंधी को खोया है, जिन परिजनों ने अपना बेटा खोया है, जिन परिजनों ने अपना भाई खोया है, स्वाभाविक है कि उनके दिल में बहुत तकलीफ, रोष और गुस्सा है। खून का रिश्ता है, और साथ ही साथ ये मानवता का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। एक ईमानदार व्यक्ति जो अपनी सेवाएं दे रहा था, उसने किसका क्या बिगाड़ा था? उसने ईमानदारी के साथ वहां लोगों की खिदमत कर रहा था, सेवा कर रहा था, उसको जो निशाना बनाया गया है, ये इंसानियत का कत्ल किया गया है। गुनाहगारों को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी आतंकवादियों के बड़े आतंकी सरगना हैं, उनको पहले ही मौत के घाट उतार दिया है।
कुछ जो बचे खुचे हैं और अपने आप को छिपकर कभी जंगल में, पहाड़ में और रात के अंधेरे में वार करते हैं, इनका भी सफाया करें। कश्मीर घाटी में कुछ ही घंटों के भीतर हुई दूसरी टारगेट किलिंग में जम्मू कश्मीर का एक एसओपी शहीद हो गया। वहीं साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले के गजूरा इलाके में आज सुबह आतंकवादियों ने एक एसपीओ पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए सेना के बेस अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जख्मों के ताव न सहते हुए उसने दम तोड़ दिया। वहीं शहीद एसओपी की पहचान रियाज अहमद ठोकर के रूप में की गई है, जो अनंतनाग के एक पोस्ट ऑफिस में तैनात था। वहीं आतंकियों ने गजूरा स्थित उसके आवास के पास उसे नजदीक से गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। और इस हमले की सूचना मिलते ही एसओजी के जवान सेना व सीआरपीएफ के संयुक्त दल के साथ गुडारू इलाके में पहुंचे और उन्होंने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। इस हमले के कुछ ही घंटे पहले आतंकियों ने बड़गाम जिले के चाडूरा इलाके में तहसीलदार कार्यालय में कार्यरत कश्मीरी हिंदू युवक राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गर्मी के जोर पकड़ते ही डोडा जिले के बदरवा घाटी पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। वहीं बदरवा के पदरी उजाई और गुलडंडा सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का तांतरा लगना शुरू हो चुका है और वहां के खुशगवार मौसम और खूबसूरत वादियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इन पर्यटन स्थलों पर स्थानीय भाषा के कुछ गानों की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। यहां आने वाले लोगों ने हालांकि सरकार से यहां के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए और तवज्जो देने की मांग की है। ये हम यही अपील करेंगे तमाम भद्रवा भलेस डिस्ट्रिक्ट डोडा बल्कि जम्मू कश्मीर पूरा की हमारे इस भद्रवा की खूबसूरती को देखिए। आप यहाँ देखेंगे तो बहुत यहाँ के अच्छे अच्छे खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि किसी ने इतना कोई खास ध्यान नहीं दिया। यहाँ हमारे हम आज पदरी में आए हैं शूट के मसले में, तो बाकी ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन यही कहूँगा कि आप आइए, पदरी आइए, भद्रवा का हर कोई भले इसमें चिराला बेल्ट में डिस्ट्रिक्ट डोडा का हर कोना बहुत खूबसूरत है। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो थोड़ा फोकस करें। टूरिज्म की अथॉरिटी बनाई ज़रूर है, लेकिन इस मसले में हम लोगों को अभी कोई अवेयरनेस नहीं मिली है ना कुछ। हम चाहते हैं कि हम अपने भद्रवा को एक्सप्लोर करें, प्रमोट करें, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का कुछ भी मतलब लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे भी कोई अच्छी चीज़ है। इतना अच्छा है, नेचर है बिल्कुल भी, बहुत अच्छा नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की, वही चीज़ हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो भद्रवा की खूबसूरती है बहुत ही अच्छी है, और मैं अथॉरिटी से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इसको इतना अच्छा बनाए कि यहाँ पे पैन इंडिया से नहीं बल्कि फॉरेन से भी टूरिस्ट आए। कश्मीर घाटी में श्रीनगर सहित अन्य जिलों में मुख्य सड़कों और बाजारों और गलियों में पनप रहे आवारा कुत्ते लोगों के लिए खतरे जान साबित हो रहे हैं। ये आवारा कुत्ते पिछले जहां लोगों के माल मवेशी को अपना निशाना बना रहे हैं, वहीं इनके काटने से कई लोग अस्पताल भी पहुंच चुके हैं। वहीं श्रीनगर नगर निगम इन कुत्तों की बढ़ती तादाद को रोकने में विफल साबित हुआ है, जिससे कि लोगों में बेहद ही रोष देखा जा रहा है। बात करें अगर श्रीनगर की, तो यहां भी शहर के कई इलाकों में ये आवारा कुत्ते लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। लोगों की माने तो कुत्तों की नसबंदी करने के लिए नगर निगम दावे तो कर रही है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका सबूत शहर की सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। सर, ये तो जो प्रॉब्लम है ना, ये आप बोलते हो कुत्तों की तादाद बढ़ रही है, ये मुझे लगता है कि इंसानों से ज्यादा ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इंसान लाचार और बेबस हो गए हैं, क्योंकि बच्चा अब घर से डर लगता है, उनको स्कूल जाने के वक्त सब्जी लेने को जाना है, मसरूआत को उनको भी डर लग रहा है। गवर्नमेंट समझ नहीं आ रही है गवर्नमेंट क्या कर रही है। इन्होंने एक बार वो पॉलिसी भी लगाई थी कि इनको हम वो सेंट्रलाइजेशन करेंगे, मगर दो तीन को ये करते हैं उसके बाद साल दो साल की ये नींद सो जाते हैं। सर, एक तो ये छानपुरा, इसके साथ बरजला, बागा, सनत नगर और जहाँ पर भी ये डंपिंग है ना, ये इन्होंने किया है एसएमसी वालों ने, ये तो मेन प्रॉब्लम है डॉग्स के लिए। इनको यहाँ पर खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, जो इंसानों को भी नहीं मिलता इनको मिलता है, तो ये तो बढ़ेंगे दिन ब दिन। हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि कम से कम अब यार लोगों को घरों से निकलना है, उनके लिए कोई ऐसा पॉलिसी अपनाए कि ताकि वो अपने आप को सेफ समझ सके।
वादी कश्मीर में इस वक्त डॉग्स की हाहाकार मची हुई है, जबकि चलना फिरना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। स्टेरिलाइजेशन के मामलों को लेकर बात करें तो इस तरह के इकदाम कई 10 सालों से देखने को मिल तो रहे हैं, मगर जमीन स्तर पर इसका काम बहुत कम हो रहा है। लोग आए रोज शिकायतें कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि सुबह हो या शाम, कोई भी ऐसा वक्त नहीं जबकि हमें हजारों की तादाद में कुत्तों का सामना ना करना पड़े। जबकि स्कूल के बच्चों का भी मानना है कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। जबकि वादी कश्मीर में इस वक्त काफी ज्यादा सियाहत की बहार भी है, तो पिछले बार एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला जिसमें कई सारे सियाह जो है कुत्तों के शिकार भी हुए हैं। जबकि इस वक्त मामला जो है जमीन स्तर पर इनको लेकर काफी ज्यादा है। सवाल निशान यहां पर बनता है जो महकमा, म्युनिसिपैलिटी और खासतौर पर वो अदारे जिनको लाजमन काम करने के लिए इन पर काम करने की जरूरत है, तो जमीन स्तर पर इनका काम क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि आज जी हाँ पब्लिक से ज्यादा कुत्तों की तादाद सड़कों पर देखने को मिल रही है। चारों तरफ हाहाकार और पैनिक के मामला भी दिखाई दे रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज के लिए समीर वानी और सईद इरफान फाजिल की रिपोर्ट। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाले सीआरपीएफ समाज के प्रति भी अपना दायित्व भी बखूबी से निभा रही है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन ने आज बांदीपुरा जिले में नौगाम इलाके में एक मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें जरूरत के हिसाब से दवाइयां भी दी गई। इसमें ये आज हमारा चौथा मेडिकल कैंप है नौगांव के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि इससे लोग यहाँ के जो आसपास के लोकल लोग हैं ये इससे जरूर बेनिफिट पाएंगे, और जो किसी भी बीमारी से वो जूझ रहे हैं वो 100% उससे वो निजात पा जाए। तो देखिए 400-500 लोग तो आम हैं, लेकिन अलग अलग कैंपों की अलग अलग प्रॉब्लम्स है उस इलाकों की, तो किसी जगह 1000 लोग आ जाता है, किसी जगह उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है। और ये अभी सुबह सुबह जैसे जैसे ये कैंप का टाइम आगे बढ़ेगा आप देखिएगा कि यहाँ पर नफरी लोग बढ़ती चली जाएगी, तो ये भी हमारा प्लान है कि यहाँ पर अभी देखा मैंने सबकी ये गुजारिश थी तो हमने इस पर जरूर कंसिडर करेंगे, और यहाँ के लोगों के लिए वॉलीबॉल का या और किसी प्रकार का कोई टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करवाएंगे ताकि यहाँ का यूथ भी उसमें पार्टिसिपेट करें और अपना स्किल डेवलप करें। विधायक राजेश गुप्ता के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर भाजपा परिवार ने जम्मू में आज एक बड़ा अनुष्ठान किया। आज भाजपा और पीडीपी की सरकार ने जम्मू विधानसभा के विधायक राजेश गुप्ता बीमार होने के चलते अस्पताल में भर्ती हैं, और आज जम्मू के पुरानी मंडी स्थित राम मंदिर में साधु संत समाज के सहयोग से एक बड़े हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा की प्रदेश इकाई के नेताओं ने भाग लेकर राजेश गुप्ता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रामचंद्र जी के चरणों में उपस्थिति बढ़ते हुए पुरानी मंडी के प्रांगण में हम एक हवन का आयोजन किया गया। पूरा भाजपा परिवार यहां उपस्थित है, क्योंकि हमारे साथी हमारे राजेश गुप्ता जी जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्ण स्वस्थ होकर पुनः अपने परिवार में सम्मिलित होकर उसी कर्मठता के साथ कार्यरत हों, ऐसी मंगल कामना हमने की है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करती हूँ अपने महंत जी का, जिन्होंने एक छोटे से साझा करने पे, सूचना साझा करने पे पूरी व्यवस्था की और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलकर सहयोग किया। और आभार व्यक्त करती हूँ कविंदर जी का कि जो हमेशा एक बड़े भाई के नाते आकर सपरिवार अपने परिवार के में सम्मिलित होकर अपनी हाजिरी भरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश से मिली दो दिन की राहत के बाद जम्मू में एक बार फिर गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी के कारण बिजली की आंख में चोली दोबारा शुरू हो गई है, जिससे कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने अब नहरों की तरफ जाने का रुख कर दिया है। वहीं गर्मी की मार दुकानदारों पर भी पड़ रही है। शहर के दुकानदारों के मुताबिक भीषण गर्मी ने उनके काम को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। कितनी गर्मी पड़ रही है कहने की बात नहीं है, इधर कस्टमर ही नहीं है, हर एक चीज की जरूरत है इतनी है। समझ लो 12 बजे के बाद कुल लेके 6:30 बजे तक तो कस्टमर होता ही नहीं है इधर। सर इतनी गर्मी पड़ रही है, बच्चे कहते हैं, लोग कहते हैं चलो फैमिली लेके नहरे में चलो जी, कहीं के घर में आजकल पानी की भी कमी भी है,
तो इतनी गर्मी पड़ रही है, आप देख लीजिए टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ रहा है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, कहने की बात नहीं है, तो जाना ही जाना, नहरों पे तो जाना ही जाएंगे, लोग तो जाएंगे। बारिश हुई है जो उसकी वजह से दो तीन दिन फर्क पड़ा, कल से फिर ज़्यादा गर्मी हो गई है, परसों से जो दो तीन दिन से गर्मी ज़्यादा है, इसलिए लू भी काफ़ी चढ़ रही है, गर्मी है तो कस्टमर भी आ रहा ही नहीं मार्केट में, बहुत फर्क है काम का, तो उसके कारण यही है, ठंडे ठंडे का सीजन है इस टाइम, पानी का लोग खूब पी रहे हैं, और बिजली के बारे में यह है कि बिजली पहले ठीक थी, फिर अब दो तीन दिन से बिजली का कट लगना शुरू हो गया है, जैसे कि बिजली तो थोड़ी प्रॉब्लम, जिसका हल किया जाए, बिजली के बिना बहुत मुश्किल है, इतनी गर्मी में बैठा नहीं जा रहा हमसे। मिनी बस ऑपरेटर यूनियन रेलवे स्टेशन जम्मू ने एसआरटीसी बसों को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हर एक एसआरटीसी गाड़ी रेलवे स्टेशन से आ जा रही है, जिसके कारण उनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। मिनी बस और ऑटो चालकों ने कहा कि रेलवे स्टेशन जम्मू से कटरा, उधमपुर, सांबा सहित अन्य जगहों के लिए एसआरटीसी बसें जा रही हैं, जिससे कि उनकी गाड़ी में कोई सवारी नहीं बैठती और उनके काम पर भी असर पड़ रहा है। कई बार अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कि असल लोग मेटाडोर वाले, ऑटो वाले, जिन्नी भी साड़ी कमर्शियल व्हीकल है, छोटी तो लैके बड़ी तक, जिन्हों को परमिट ना, जम्मू दे परमिट ना, सिटी दा परमिट है, स्टेशन दा परमिट है, साड़े को अस इन्ने ज्यादा परेशान है कि हद हो गई है। एक सरकार ने गड्डिया पाई आना है लोगों को सहूलत देने वास्ते, पिंडा ग्रामा च चल, अगे पिछे चल, सिटी च थोड़ा इन्हें लाउड, खनूर की गड्डी स्टेशन, सांबे की गड्डी स्टेशन, उधमपुर की गड्डी स्टेशन, ये स्टेशन गढ़ बन गया, साढ़े गरीबा की रोजी रोटी पर लत मारे करते। असी गौरमेंट अगे गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बिनती कर रहे हैं, असं ड्राइवर तबका असी कहने, चलो हर बंदे नूं रोटी मिलनी चाहिए, लेकिन किसी की रोटी छिननी नहीं चाहिए, साड़ी रोटी छिने करते जबरदस्ती, अपने रूट पर चल, सानू कोई तराज नहीं है, चलो एक दो गड्डी हो चले जाए, जे पंजाह गड्डिया पंजाह दी पंजाह स्टेशन, ये गुंडागर्दी मचाई सारे इन्होंने, इन्हें गुंडागर्दी मचाई थी, असं इनके मैनेजर साहब अगर गुजारिश की, मैं अपने रूट से चलाओ, कहते ठीक है ठीक है ठीक है, असं हाई अथॉरिटी अगर अप्रोच की, कहते ठीक है ठीक है ठीक है, कोई असर ही कोई नहीं इन्होंने। परेशानी है जनाब, देखो हूं अहें नंबर लाया था, डेढ़ घंटा ही आ गड्डी पूरी खाली पेरी, तुम अपना कैमरा परसन ही दस सकते हो, तो जल्द इतने ट्रेन आती ना, ये दिखते ट्रेन आप जल्द ट्रेन आते आरटीसी वाले जंदे गड्डी भरते तां गलांदे नगर जिवें 100 सवारी बिठालदे निकलदे हुंदे, साढ़े बैठदियां 16 सवारियां 17 सवारियां, जिल्ले सवारी नहीं होवे तां टेंशन जे होवे ते ट्रैफिक आले रोकी लैंदे कराओ चलान, इन्हें कोई चलान नहीं करदा आरटीसी आले, इन्हें कोई चलान नहीं चलान सानू, जे असें कोई सवारी स्पैशल जाचे इत्थूं स्टेशन दा 400 रुपये च 500 रुपये च आखते आउट ऑफ रूट का चलान, सारे गड्डी ने भुखे मरे ने, एक गड्डी किन्ने टब्बर पालदी है, सुनो अगल तो पैसे नहीं मिले, एक साड़ी गड्डी किन्ने टब्बर पालदी है, एक टायर पंचर होई जांदा, वो टायर पंचर वाला मजदूर वो साड़ी गड्डी पंचर लैंदा 50-100 लैंदा, वो पला दा पंप वाले पला दे साड़ी गड्डी दा, मालक पला दा, एक ड्राइवर पला दा, एक कनैक्टर पला दा, एक पेंट करदा वो भी तू पला दा, एक वैल्डिंग करदा वो भी तू पला दा, जिहड़ा रेडिएटर साफ करदा वो भी तू पला दा, एक गड्डी किन्ने टब्बर पालदी है। तो मैं आपके माध्यम से आज मैंने इस मसले में बोलना नहीं था, लेकिन मजबूर हो गए हम, तो आपके माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि यहाँ की जो एसआरटीसी जो एमडी साहब हैं या जनरल मैनेजर साहब हैं, कम से कम इसके बारे में ध्यान दें, हम छोटे लोगों के पीछे क्यों पड़े, क्यों हमें ख़त्म कर रहे हैं, जो इस तरह तो हमारा यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि गाड़ी, एक गाड़ी कोई आधे पौने घंटे के बाद निकल रही है, कई बार डेढ़ डेढ़ घंटे के बाद निकल रही है, गाड़ी हमारी बिल्कुल थोड़ी है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 गाड़ियाँ खड़ी हैं, काम ही नहीं है, ये बसों वाले नहीं छोड़ते, जब देखो आप जिस वक्त भी देखेंगे इनकी गाड़ियाँ कोई पुली पर लगी होगी, कोई पीछे लगी भर रही होगी, इनको ये नहीं है कि हम अपने रोड पर जाएं, बस यहाँ से गाड़ी निकलती है तो पूरा पूरा फायदा लो। जब हम इनसे ड्राइवर से कोई बात करते हैं, इनसे बात करते हैं, वो बोलते हैं आप अफसरों को बोलिए, आप हमारे अफसरों को बोलिए, हमारे अफसर से बात करिए, वो हमें कहते हैं कि जैसे मर्जी चलाओ, हमें पैसा चाहिए। जम्मू के फुटबॉल खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने जम्मू के मिनी स्टेडियम परेड को आधुनिक सुविधा से लैस बनाने का काम शुरू किया है। वहीं मिनी स्टेडियम से सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ लगाने का कार्य चल रहा है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस कार्य को पूरा करने का जिम्मा सतपाल सिंह को सौंपा है। वहीं सतपाल सिंह के मुताबिक मिनी स्टेडियम के आधुनिक स्वरूप में आने के बाद जम्मू के
में फुटबॉल खिलाड़ियों का खेल निखरेगा और वहीं जम्मू के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। वहीं इस काम में जुटे कारीगरों के मुताबिक इस कार्य को पूरा करने में 2 महीने का समय लग जाएगा। परेड में जो हमारा सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ लग रहा है, ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है और हमारे जो बच्चे जो फुटबॉल के साथ वाबस्ता हैं, तो फुटबॉल के साथ वाबस्ता हैं और उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमें बड़े अरसे के बाद ये ग्राउंड यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पे लड़के अपना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस होगी और लड़के बाहर स्टेट के लिए तरफ से जाएंगे, नेशनल लेवल पे जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे, और जहाँ पे हमारे जो नेशनल लेवल का टूर्नामेंट भी हो सकता है, ताकि कम से कम हमारे बच्चों को बाहर से जो प्लेयर आएंगे उनसे भी बूस्ट मिले। जो लड़के नेशनल लेवल के बाहर के बच्चे आएंगे तो वो उनको देखेंगे और इंस्पायर होंगे और बच्चों को एक अच्छा जो बाहर के फुटबॉलर हैं देखने को मिलेगा और वो उससे खेलेंगे और आगे जाएंगे। सर यह है आर्टिफिशियल ग्रास का ग्राउंड है सर, फुटबॉल ग्राउंड है, अभी इसको 2 महीना लग जाएगा सर। यहाँ पर कितने लोग, 15-20 जने लोग काम करता है, पूरी देख पूरा चेक करके हो रहा है सर। ये 31 पीस लगता है सर। पूरा एरिया टोटल कितना है? टोटल एरिया है आपको, टोटल एरिया है 105 बाई 70 मीटर, 105 मीटर बाई 70 मीटर का है। इसमें ओनली फुटबॉल होगा सर। ये तो आर्टिफिशियल का काम तो कल से ही चालू हुआ है, सिविल का काम तो पहले से हुआ। जम्मू कश्मीर की इन खास खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।